और अब सीधा रुख करते हैं बीजेपी ऑफिस जहां पर प्रेस वार्ता की जा रही है और सतीश पूनिया मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। टेलीफोनिक भी और इस अभियान के जरिए व्यक्तिगत तौर पर भी, तो आने वाले समय में ये सब लाभार्थी वैचारिक रूप से भी पार्टी से जुड़े और पार्टी के पक्ष में मतदान करें, इस तरीके की रणनीति इस अभियान के माध्यम से हम लोगों ने बनाई है। 3 दिन ये अभियान चलेगा और कुछ चीज़ों की ब्रीफिंग इससे पहले हुई है कि पार्टी चुनाव के तौर पर पूरी तरीके से तैयार है। सामने वाली पार्टी दावा करती है लेकिन संगठनात्मक रूप से और राजनीतिक क्रियाकलापों के तौर पर कहीं नज़र नहीं आती है, ऐसा फील्ड में घूमने वाले हमारे कार्यकर्ताओं का कहना है और ये दिखाई भी देता है। आज मैंने पीसीसी के अध्यक्ष सचिन पायलट जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ बिंदु देखे थे, उन्होंने एक जन घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगे हैं, साथ ही साथ लगातार वो पार्टी से सरकार से कुछ सवालों के जवाब बराबर मांगते रहे हैं। मुझे ताज्जुब हुआ कि उस घोषणा पत्र के सुझावों के मांगने के जरिए उन्होंने कुछ बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। अनेक अवसरों पर वो रोजगार की बात करते हैं नौजवानों को, तो कई बार तो हंसी आती है कि इस तरीके से क्लेम करते हैं कि जैसे उन्होंने पिछले 47 वर्षों में रोजगार दे दिया हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको हटा दिया हो। उनको पूरा अवसर था जो मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन आज का जो दृश्य था उनकी पीसी के दौरान उनके दफ्तर के बाहर झगड़े की नौबत आई, नारे लगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रतिपक्ष के नेता रामेश्वर डूडी जी ने भी अपने आप को अघोषित रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और ये दावा किया कि नंबर वन बनने का रास्ता उनको भी पता है। जैसे मैंने कहा कि हम लोग पूरे तरीके से मुस्तैद हैं, तैयार हैं, टिकट वितरण की तैयारी से लेके मुख्यमंत्री का चेहरा और बूथ पर संपर्क, इस बूथ संपर्क अभियान की कांग्रेस पार्टी ने नकल करने की कोशिश करी थी, एक अभियान चलाया था मेरा बूथ मेरा गौरव, लेकिन हुआ इसका उल्टा कि मेरा बूथ और मेरा जूत, और उनको लपेटना पड़ा, वापस समेटना पड़ा। तो कई बार नकल में भी अकल चाहिए और उसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, एक ऐसी फौज चाहिए जो पूरे कमिटमेंट से काम करे। तो मैं समझता हूं कि भ्रमित सी कांग्रेस है जिसमें आज तक दूल्हा तय नहीं हुआ और कुछ लोग खुद ही दूल्हा बनने के लिए तैयार बैठे हैं। ये भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है इस प्रदेश में। जिस तरीके से जाति की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने करी, तो इस मुगालते में है कि हम लोग अभी नेता प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और सभी जातियों के बीच में ये कहने की कोशिश करेंगे कि अवसर आएगा तो हम आपको प्रतिनिधित्व देंगे, लेकिन राजस्थान की जनता को, राजस्थान के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को अच्छे से तरीके से पता है कि राहुल गांधी जी की पसंद क्या है। इसलिए केवल भ्रम के आधार पर वो नेता तय नहीं कर पा रहे हैं, और ये भ्रम इसलिए कि सब जातियों के वोट बटोर लें। तो मुझे लगता है कि राजस्थान की जनता इस बात को ठीक तरीके से समझ चुकी है और इसके बुलावे में नहीं आने वाली है। तो चुनाव नजदीक है, सियासतदान आरोप लगाते